अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुगली है। मैं आप सबका नया दोस्त हूँ जी। आप सबका नया दोस्त आपको प्रेप में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों खुश हूँ? क्योंकि प्रेप में मेरे बहुत सारे नए दोस्त आ गए हैं। आप सब मेरे दोस्त हैं। तो अब हमने प्रेप जमात में नई किताबें और नई कॉपियों में काम करना है, ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं पढ़ाई के लिए? लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मुझे बतानी है। आप सबको पता है कि एक बहुत ख़तरनाक वायरस आया हुआ है, जिसकी वजह से कि हम लोग स्कूल भी नहीं आ सकते। हमें छुट्टियां करनी पड़ रही हैं और घर से पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? हमने मास्क का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, एक मास्क बहुत ज़रूरी है। घर से जब भी बाहर जाएं या फिर घर पे भी अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो आप लोग फासले पर बैठें और मास्क का इस्तेमाल करें। और एक और ज़रूरी चीज़ है, हैंड सैनिटाइज़र। जी हाँ, इससे आप लोगों ने अपने हाथ बार बार इससे साफ़ करने हैं या फिर पानी से हाथ धोने हैं 20 सेकेंड तक, ठीक है? तो चले, आज हम आपको आपकी प्रेप क्लास की उर्दू की टीचर से मिलवाते हैं। उनका नाम है मिस फारूख। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस फारूख है और आप लोग मेरे साथ प्रेप जमात में उर्दू पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो आप लोगों ने किताबें मेरे साथ पढ़नी हैं और जिस कॉपी में मेरे साथ काम करना है वो दिखाती हूँ। ये है हमारी उर्दू की किताब, जिसमें के आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छी लिखाई करेंगे, ठीक है? और कभी कभी हम उर्दू का काम इस तरह की कॉपी में करेंगे। इसके पहले सफ़े पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे, जमात लिखेंगे, और जब हम इसमें काम करेंगे तो आप पहला सफ़ा जिस पर आपने नाम लिखा है उसको आगे ले जाएंगे और फिर नए सफ़े पर काम करेंगे। इसके अलावा ये आप लोगों की जो किताबें आई हैं उनके साथ एक ये वर्कशीट्स का सेट है। जी हाँ, ये वर्कशीट्स भी हैं, कभी कभी हम इन पर भी काम किया करेंगे, ठीक है? तो एक बहुत ज़रूरी बात जो आप सबसे करनी है कि आप लोगों ने ना तो अपनी किताबें गंदी करनी है, ना ही अपनी कॉपी गंदी करनी है, और ना ही अपनी वर्कशीट्स को गंदा करना है, और ना ही उन्हें फाड़ना है, ठीक है? तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए मेरे साथ। और आज देखिए, हम उर्दू की अमली किताब में सबसे पहले क्या लिखेंगे। ये आपका पहला सफ़ा है। यहाँ पे सब बच्चों ने अपना नाम और अपनी जमात का नाम लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे आपने ऊपर देखिए, यहाँ पे तारीख और यहाँ पे दिन हर सफ़े पर ऊपर लिखा हुआ होगा। और आपने सबसे पहले यही लिखना है मेरे साथ हर वीडियो में, ठीक है? और फिर जो भी नीचे काम होगा वो बहुत साफ़ सुथरा और खुश खत लिखेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि मैंने हर सफ़े का आपके लिए इस तरह से बोर्ड बनाया हुआ होगा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, लेकिन आपके पास किताब में बहुत सारी लाइनें हैं, तो आप लोगों ने एक एक लाइन छोड़ कर काम करना है, ठीक है? तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की तारीख लिखते हैं। सबसे पहले आज है 5 अप्रैल। सिफर, देखिए उर्दू में हम जो हिस्से लिखते हैं उनमें इस तरह से सिफर लिखते हैं और इस तरह से 5 लिखते हैं, उसके बाद छोटा सा डैश लगाएंगे, फिर सिफर, फिर 4 डैश और 2/1/21, 2021, ठीक है? 5 अप्रैल 2021। और आज दिन क्या है? आज दिन है पीर। पहले आप पे की छोटी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ ये की छोटी शक्ल बन जाएगी और उसके साथ रे, और रे देखिए लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है?
इसके बाद अपनी किताब पर देखिए लिखा हुआ है अलिफ ता ये लिखिए। आपकी किताब पर ये जो हम सफा कर रहे हैं इसका नंबर है 3। ठीक है, अलिफ ता ये लिखिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपकी किताब में अलिफ ता ये लिखा हुआ है, उसके नीचे आपने एक लाइन छोड़कर पहली लाइन से एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन से ठीक है लिखेंगे अलिफ। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगी ताकि आप लोगों को बहुत साफ नजर आए, लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, इसके बाद हम एक उंगली की जगह छोड़ेंगे और प्यारा सा लिखेंगे बे। फिर एक उंगली की जगह छोड़ेंगे और प्यारा सा लिखेंगे पे। सब बच्चों को पता है कि बे के नीचे एक नुक्ता होता है और पे के नीचे 3। सबको पता है अलिफ बे बहुत अच्छी आती है, मुझे पता है सबने बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स किए हैं और उसमें सबने अलिफ से ये तक बहुत अच्छा लिखा था। अलिफ बे पे ते, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे टे। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे से, और से के 3 नुक्ते ऊपर होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक लाइन नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आप लोगों ने एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पे हम प्यारा सा लिखेंगे चीम। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे चे हे और हे। शाबाश, इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे दाल। थोड़ी सी जगह छोड़िए डाल जाल रे रे जे और ये। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे सीन। थोड़ी सी जगह छोड़िए शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। शाबाश, स्वाद ज्वाद तोए जोए। ठीक है, फिर से एक लाइन छोड़िए और नीचे लिखेंगे आयन गायन। गायन के बिल्कुल यहाँ पे ऊपर इसके सर के ऊपर आपने नुक्ता लगाना है, यहाँ इधर नहीं लगाना है, इसके अंदर नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे फे। फे का भी नुक्ता बिल्कुल इसके सर पर आएगा। काफ, नुक्तों वाला काफ काफ काफ। अगली लाइन में आ जाए एक लाइन छोड़कर लाम। लाम देखिए आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे और घूम के वापस ऊपर। मीम, और मीम सब बच्चों ने थोड़ा सा लाइन से नीचे लेकर जाना है। नून वाओ हे हमजा छोटिए और बढ़िए। चलिए जी आप ये तो हो गई अलिफ से ये तो आप सबको आती है। ठीक है, अब जरा देखिए कि मैं आपको बोर्ड पे क्या दिखा रही हूँ जी। ये क्या है, कौन सा रंग है? लाल। शाबाश। और ये वाला बताइए, काला। वाह, ये तो सबको आता है। और ये वाला रंग बताइए, हरा। शाबाश। और ये वाला रंग देखिए, नीला। और एक रंग और मैं आपको बताऊंगी जी, हाँ ये है पीला। ये आप लोगों ने इंग्लिश में तो किया हुआ है, रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू और येलो, इनको उर्दू में हम कहते हैं लाल काला। ये मैं आपको लिख के बताती हूँ, लाल देखिए ल आ ल लाल, पढ़िए इसको लाल। अगला रंग देखिए काला, क आ का ल आला
काला। अगला रंग देखिए हरा, ह र आ हरा, शाबाश। और इसके बाद है न इनी ल आला, नीला। और आखिर में कौन सा रंग है, पीला, प ई पी ल आला पीला। ठीक है, इसको आप लोगों ने तीन बार पढ़ना है, लाल काला हरा नीला पीला। ठीक है, तो अब आपने अपनी उर्दू की अपनी किताब में ये बहुत अच्छा सा काम करना है, बहुत अच्छी लिखाई में, और छोटी लिखाई करनी है, याद रखिएगा छोटी लिखाई करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने अरेजर इस्तेमाल नहीं करना और अपनी किताब में फाड़नी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।